गाइस वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल इंक राइडर। एंड आज का वीडियो जो होने वाला है ये एक नए सीरीज़ का स्टार्ट होने वाला है। तो बेसिकली अब लॉकडाउन लग चुके हैं, सैटरडे संडे कोई ज़्यादा राइड हो नहीं पा रही है, सो आई थॉट कि मैं आपको एक वीडियो सीरीज़ बनाऊँ जिसमें संडे क्यू एंड ए करेंगे हम लोग। एंड मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इन माई यूट्यूब कमेंट सेक्शन हो गया, ऑन इंस्टाग्राम हो गया, तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पैराग के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं या कोई बाइक के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे लोग कुछ गाड़ियों के ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, बिकॉज यू नो कि आई एम वेरी मच इनटू दिस कार्स बाइक्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो मैं सोचा कि वाई नॉट टेक ऑल दिस क्वेश्चन एंड मेक अ वीडियो। एंड आपको भी ऐसे ही कुछ सवाल होंगे अपने मन में कि हाँ भाई मुझे भी ऐसे ही सिमिलर सवाल है, तो आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। सो बिफोर मूविंग इनटू द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, इफ़ यू आर नॉट सब्सक्राइब मी डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो डू लाइक शेयर एंड कमेंट, बिकॉज ऐसे और भी लोगों को ये वीडियोज़ पहुँच सकता है, जैसे आप लोग देख रहे हो और भी लोग इंटरेस्टेड होंगे एंड उनको ये कॉन्टेंट जा सकता है। एंड इफ़ यू आर नॉट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम तो आप इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर आई डी आ रहा होगा, एंड ऑल्सो वहाँ पर आप मुझे सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स भी मैं इसी क्यू एंड ए वीडियो में, और एल्स अगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं इमीडिएटली आपको इंस्टाग्राम में ही रिप्लाई कर दूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव इन टू द वीडियो। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं, दैट इज़ डीबी किलर रिमूव करने पे क्या बाइक की वारंटी ख़त्म हो जाती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, बिकॉज काफ़ी शोरूम में जो भी वर्कशॉप ओनर्स है या शोरूम ओनर्स है वो बोलते हैं कस्टमर को कि जैसे आप डीबी किलर रिमूव करोगे आपकी बाइक की वारंटी जो है वॉइड हो जाएगी, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपना डीबी किलर अराउंड एक महीने बाद ही हटवा दिया था अपने बाइक से, एंड जो भी मेरे ग्रुप में लोग हैं जो मेरे साथ राइड करते हैं उनमें से ऑलमोस्ट 80-85% लोगों ने अपना डीबी किलर हटवा रखा है। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका जो है बाइक वारंटी से हट जाएगा एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड ऑल्सो फ्यू स्पेसिफिकेशंस है, लाइक जैसे आप डीबी किलर हटाते हो तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि इंजन से ऑयल लीक होना स्टार्ट होता है, लाइक दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू डीबी किलर, बट येट मेरे को फील हुआ है कि उसके बाद वो इशू आया था। तो जो सीलेंट होता है इंजन में, जो साइड में आप देख सकते हैं, आप अगर जावा बाइक ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं एक ग्रे कलर का सीलेंट होता है। सो वो सीलेंट अप टू 4000 किलोमीटर तक आप कितनी भी बार चेंज करा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, तो टोटली फ्री वो सीलेंट आपका चेंज हो जाएगा। बट आफ्टर 4000 किलोमीटर उस सीलेंट को चेंज कराने के लिए आपको प्राइस पे करना पड़ेगा, एंड उसमें कुछ 300-400 रुपये का चार्ज आएगा, तो वो कराना पड़ेगा। बट ट्रस्ट मी, मेरा एक बार वो हुआ था अराउंड 2000 किलोमीटर्स में, मैंने अपना सीलेंट चेंज कराया एंड उसके बाद से मेरे बाइक में कोई ऑयल लीकेज या किसी का इशू आया नहीं है। हाँ, ऑन द अदर एंड अगर आप डीबी किलर ना हटवा के पूरा साइलेंसर एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज कराते हैं तो ऑब्वियसली आपका इंजन का वारंटी या जो भी है वो वॉइड होने के चांसेस रहेंगे। द सेकेंड मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो लोग मेरे को पूछते रहते हैं, दैट इज़ कैरियर्स एंड सैडल बैग्स, बिकॉज पैराग एक सिंगल सीट बाइक है एंड यहाँ इस पर टूरिंग करना या पिलियन मिटाना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, एंड काफ़ी लोग पैराग को लेके लॉन्ग टूर्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस राइड करना चाहते हैं। तो कैरियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड फॉर कैरियर्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि देर आर मेनी ऑप्शन इन द मार्केट, आप कोई भी लोकल मार्केट में जा सकते हैं, आजकल करोल बाग में बहुत सारे मॉडिफिकेशन अवेलेबल है, या फिर अगर आपको एक ट्रस्टेड चीज़ लेना है तो आप BS ऑटो एक्सेसरीज यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा स्क्रीन पे, मिस्टर मुकेश शंका जी, उन्होंने मेरे को मेरे लैंसडाउन ट्रिप से पहले BS ऑटो एक्सेसरीज का सैडल बैग एंड कैरियर भेजा था, विच वॉज सुपर, मैंने वही यूज़ किया था एंड काफ़ी लगेज मैंने उसमें कैरी कर ली थी। जस्ट उसमें एक छोटा मिस्टेक हो गया था कि मैंने उसको अपने सीट के आसपास ज़्यादा लगा दिया, तो जिसके वजह से मेरा लाइट टूट गया था, बट अदर देन दैट कैरियर वॉज परफेक्ट, बहुत ही अच्छा बिल्ड है एंड काफ़ी अच्छे से वेट उसने उठा लिया था। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग वेरी रिजिड एंड एक क्लास अपार्ट मॉडिफिकेशन चाहते हैं, देन डू चेक आउट वी नोमैड चैनल, मैं ऊपर यहाँ पे लिंक कर दूंगा उनका चैनल। उन्होंने रिसेंटली बहुत ही बढ़िया एक लगेज कैरिंग सिस्टम बनाया था, बट द कॉशन इज वो थोड़ा सा एक प्राइजी साइड में मॉडिफिकेशन है, बट इफ़ यू आर पैशनेट एनफ एंड यू हैव टू टेक योर बाइक्स टू लॉन्ग टूर, जैसे लेह लद्दाख लेके जाना है एंड ऑल दोज थिंग, तो आई रिकमेंड कि आप उसी तरीके से अपना मॉडिफिकेशन कराएं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो बाइक में एंड ऑल्सो आपका राइड एक्सपीरियंस परफेक्ट रहे। सो अनदर मोस्ट आस्क क्वेश्चन इज कस्टम एग्जॉस्ट फॉर पैराग, बिकॉज काफ़ी लोगों को डीबी किलर हटाने के बाद भी जो आवाज़ है बहुत कम लगता है एंड दे आर लाइक कि यार मेरे को आवाज़ और चाहिए, तो दे आर लुकिंग फॉर कस्टम एग्जॉस्ट लाइक रेड रूस्टर्स, AEWs एंड ऑल दोस थिंग्स। बट मार्केट में अभी तक पैराग के लिए स्पेसिफिकली ऐसे कोई एग्जॉस्ट आया नहीं है, बिकॉज इट्स अ वेरी नीश बाइक,
इस बाइक के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम बनाना और फिर बेचना कैन बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज काफ़ी कम बाइक्स है अभी इंडिया में, एंड ऑल्सो मार्केट में लोग ज़्यादा रॉयल इनफील्ड की तरफ इंटरेस्टेड रहते हैं, एंड उसका एग्जॉस्ट चेंज करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं. तो जावा के लिए अभी तक कोई ज़्यादा एग्जॉस्ट आया नहीं, बट रिसेंटली मेरे ग्रुप में एक लड़के ने अपना एग्जॉस्ट सिस्टम चेंज कराया था, एंड जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो अराउंड 10K रुपीज़, दैट इज़ 5000 बिकॉज ड्यूअल साइलेंसर आता है, तो टोटल 10,000 रुपीज़ का था. एंड उसका जो प्राइस नाम सब स्क्रीन में भी आपको मैं दे दूंगा, एंड ऑल्सो मैं कुछ शॉर्ट्स उससे मंगवाया था, तो सी द शॉर्ट्स एंड आवाज़ देखिए, वेयर ईयरफोन्स टू नो द एग्जैक्ट ग्राउल और द बेस दैट द एग्जॉस्ट इज मेकिंग, बिकॉज स्पीकर में ऐसा पता नहीं चलता, तो यूज़ ईयरफोन्स. आरी मीटियोर, रॉयल एनफील्ड का मीटियोर 350 बुक किया है, एंड ऑल्सो मेरे को पैराग चाहिए बिकॉज पैराग की लुक्स अच्छी है, पावर ज़्यादा है. तो गाइस तो पूछते हैं कि क्या लूँ मैं, तब मेरा डिसीजन क्या होना चाहिए, मेरे को मीटियोर ही लेना चाहिए या उसको कैंसिल करा के पैराग ले लेना चाहिए. नो, तो फर्स्ट थिंग इज आपको कैसे बाइक चाहिए, लाइक आपको बाइक क्यों चाहिए, आर यू गोइंग टू डू लॉन्ग टूर्स, आर यू गोइंग टू टेक पिलियन, घर में किसी को बिठाना है या दोस्तों के साथ जाना है, दोस्त पीछे बैठेंगे, या आप बहुत लॉन्ग राइड्स करना चाहते हैं, बहुत दूर, मतलब 500-600 किलोमीटर आपका बहुत रेगुलर रहता है, या आपका ऑफिस कुछ ऐसे 100-200 किलोमीटर है तो आप डेली 100-200 किलोमीटर चलाते हैं, ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आई विल टेल यू कि आपको रॉयल एनफील्ड मीटर के साथ जाना चाहिए एंड नॉट पैराग, बिकॉज पैराग एक सिंगल सीट बाइक है, उसमें लगेज कैरी करना डिफिकल्ट है, आपको मॉडिफिकेशंस करानी पड़ेंगी, किसी को पीछे बिठाना है दैट्स नॉट अ पॉसिबल थिंग, एंड ऑल दोस छोटी छोटी चीज़ें जो पैराग में नहीं हो सकती वो मीटर में काफ़ी अच्छे से हो सकते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप एक संडे राइड करते हैं, जैसे आप पूरे हफ्ते ऑफिस जाते हैं एंड सैटरडे संडे आपका फ्री होता है, एंड संडे आप दोस्तों के साथ बाइक से मज़े लेना चाहते हैं या ब्रेकफास्ट राइड करना चाहते हैं, या आप बहुत कम टोरिंग करते हैं, लाइक मैक्सिमम आप 100-200 किलोमीटर टूर मारते हैं ऐसा, देन पैराग इज़ द परफेक्ट बाइक. अब ये कहने का ये मतलब नहीं है कि पैराग को आप 600-700 किलोमीटर नहीं चला सकते, यू कैन डेफिनेटली राइड इट, but you have to do the modifications and then only you can use the bike for such long distances. So the next question is helmets. तो बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे कि सर आपका जावा हेलमेट दिखाइए, तो लेट मी टेल यू, मेरे पास दो जावा के हेलमेट्स थे. तो पहला जो हेलमेट था मेरा जावा 42 वाला हेलमेट था, तो आप देख सकते हैं, मैं वीडियो डाल दूंगा. सो वो मेरा एक इनिशियल हेलमेट था, उस समय पैराग का कोई हेलमेट नहीं आता था, तो मैंने 42 वाला हाफ फेस हेलमेट यूज़ किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी गलती की वजह से वो हेलमेट मेरा चोरी हो गया था, तो That's the thing. Then I got this helmet, जो जावा का है, तो जावा का ऑफिशियल हेलमेट आता है पैराग के साथ, तो आप देख सकते हैं पैराग का स्टिकरिंग भी है, तो ये हेलमेट काफ़ी अच्छा है, इसका शेप थोड़ा सा अजीब है बट ठीक है, फुल फेस हेलमेट है, मेरे को यहाँ पे GoPro या कुछ लगाना होता है तो इसीलिए मैंने ये ले लिया. बट अभी रिसेंटली क्या है, जावा वालों ने हाफ फेस हेलमेट पैराग के लिए भी निकाला है, विच इज़ टोटली ब्लैक, एंड उसमें जहाँ पे यहाँ 42 लिखा होता है वहाँ पे पैराग लिखा हुआ है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड लुकिंग हेलमेट. तो कॉस्ट आता है, ये जो हेलमेट है ये अराउंड 4500 या 5000 रुपीज़ का था, एंड जो हाफ फेस हेलमेट है वो 2500 रुपीज़ का आता है, एंड हाफ फेस हेलमेट में वाइज़र भी आता है, अब वाइज़र हटा देते हो तो वो 2000 का होता है, एंड इफ आर टेकिंग इट विद वाइज़र देन इट इज़ 2500, एंड इसमें कोई वाइज़र हो जाता है, इसमें आपको गॉगल्स पहनने पड़ेंगे. तो व्हेन यू आस्क मी, इट्स अ वेरी गुड हेलमेट फॉर सिटी राइडिंग, बट अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस या हाईवे पे चलाना चाहते हो तो ये हेलमेट बेकार है, बिकॉज काफ़ी पतला है, आप देख सकते हैं, एंड ऑल्सो इसमें जब विंड आएगा तो ये पीछे उड़ता है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं देता है ये, तो इसलिए यू हैव टू गो फॉर बेटर हेलमेट्स, लाइक मैं जो यूज़ करता हूँ MT-Thunder 3 यूज़ करता हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड हेलमेट, बट अगेन दैट्स अ लिटिल बिट हैवी हेलमेट, बट काफ़ी अच्छा है. तो आप ऐसे बहुत सारे लॉन्ग टूरिंग हेलमेट्स आते हैं जो खरीद सकते हैं, जैसे एग्जॉर हो गया, MT हो गया, स्टड्स हो गया, तो ये सारे हेलमेट्स पर आप जा सकते हैं. If you are looking for looks and small distance riding, city riding, तो Java का helmet is good. But if you are going for long distance, then you should definitely invest in a good helmet, then investing in Java helmets. So guys, that's it for this video. If you like this video, do like, share and subscribe. इस तरीके से और भी audience को मेरी content पहुँच सकता है who are interested exactly like you.
एंड ये मैंने अराउंड 5 क्वेश्चंस का जवाब दिया है, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस का आंसर चाहिए रिगार्डिंग एनी बाइक्स और इवन फोर व्हीलर्स, तो डू कमेंट बिलो। मैं उस क्वेश्चन को पढ़ के रिसर्च करके अपने हिसाब से आपको अगले अगले संडे Q&A सेशन में ज़रूर आंसर करूँगा। प्लस इफ़ यू विश टू कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, देन इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड अपना सारा क्वेश्चंस वहाँ भी पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर यू एंड होप यू लाइक दिस सीरीज। एंड बहुत सारी वीडियोस मैं बनाते रहने वाला हूँ, और क्वेश्चंस आएंगे मेरे पास तो और लंबे वीडियोस एंड और डिटेल्ड आंसर्स मैं आपके लिए दूंगा। तो मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय, स्टे सेफ।